कहते हैं कि जो है भूयसी दक्षिणा होती है, क्या होती है? भूयस शब्द होता है, उसकी स्त्रीलिंग में बनता है भूयसी, माने बहुत सी दक्षिणा। तो कितनी दक्षिणा? बहुत। और जो जितना बहुत मान लो, किसी के लिए तो भाई 1000 रुपये ही बहुत हो, किसी के लिए तो 10,000 बहुत नहीं, किसी के लिए तो लाखों बहुत नहीं है। तो अपनी शक्ति के अनुसार जो दीनानाथ हैं, माने जो दीन हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के लिए भी, काम करने वाले लोगों के लिए भी, कोई विधवा है, ब्रह्मचारी है, या कोई विद्यार्थी है, और भी कोई लोग हैं जो भी, तो उन सब के लिए भी अपने यहाँ कर्म के बाद कुछ दक्षिणा निकाल करके सबको देना चाहिए। वो कहलाता है वो दान यश दान होता है, यह दान। अब यसी दक्षिणा वो कहता है, वो भी दक्षिणा है, वो मतलब कोई दान नहीं है, वहाँ दान नहीं आया है कि ये यसी दान है, भूयस दान नहीं, नहीं कोई भी नहीं, भूयसी दक्षिणा, ऐसा दक्षिणा। क्यों दक्षिणा तब होता कोई, माने उनका भी अधिकार, दक्षिणा वहां होती है जहां अधिकार, भाई तुमने अनुष्ठान किया तो तुम्हें दक्षिणा जो मिल रही है वो तुम्हारा अधिकार था, तुमने अनुष्ठान किया उसका मिलना, और कोई वैसे ही आपको देता है तो वो क्या है, वो दान है। यदि पूर्वक आप वैसे ही दे दो, अब यदि पूर्वक वो दान में आए और जो वो दक्षिणा है, तो ये भी क्या है, दक्षिणा। माने उसके बाद जो भी काम करने वाले, मिलने जुलने वाले, जो भी दीनासाय लोग हैं, उनके लिए भी देना, वो उस कर्म का अंग ही है। तुम्हारे यहाँ कुछ हुआ तो ऐसे लोगों को भी आप दिया। देखिए इसका संकल्प, अद्य कृतस्य सग्रह याग वास्तु शांति कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम तत् संपूर्ण भरत प्राप्त्यर्थम तन्मध्ये न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थम। इससे भी जो भी कोई न्यून कर्म हो जाता है, अधिक हो जाता है, या न्यून अधिकम कृतम, कोई भी कर्म न्यूनता पूर्ण हो जाता है या अधिक हो जाता है, उन सब के दोष की निवृत्ति होती है। नाना नाम गोत्रेभ्यः, विभिन्न प्रकार के गोत्र, कौन किसी को देंगे, कोई के नाम के नाना नाम गोत्र, कोई पता नहीं कितने हैं, ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणों को पहले देना, माने सभी जो भी आगंतुक या ना बुलाए या जो भी है ब्राह्मणों को देना, और दीनानाथेभ्यश्च, दीनानाथेभ्यश्च दीन और अनाथ है, ऐसे दीनानाथ है जो भगवान के लिए हिंदी में कहते लोग दीनानाथ, मन दीनों के नाथ, ऐसा बनता नहीं है संस्कृत में, वो दीन और अनाथ ही बनता है। दीनानाथेभ्यश्च भूयसी दक्षिणा यथा भागं विभज्य दातुमां मुसृजे। ये संकल्प कर लेंगे, मेरे द्वारा किए गए ग्रह यज्ञ के सहित वास्तु शांति पूर्वक गृह प्रवेश कर्म में जो भी कोई न्यूनता या अधिकता पूर्ण कोई दोष हो, उसकी निवृत्ति हो, और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो, अभीष्ट की प्राप्ति हो, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो, इसलिए हम दीनों को और ब्राह्मणों को, मुख्य रूप से ब्राह्मणों को, दीनों को और अनाथों को, असहायों को अपने शक्ति के अनुसार दक्षिणा बांट करके विवाह विवाह करके विवाह, ऐसा संकल्प कर दिया। यथोत्साह सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नापित कर्म काराधिभ्यो भूयसीं दद्यात्। कहते हैं यथोत्साह, जितना जिसकी उत्साह हो, इच्छा हो, शक्ति हो, है ना, किसी की बहुत शक्ति होती पर देने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसा भी तो देगा ही कुछ, तू आप कहते हो, तो यथोत्साह जितने उत्साह, जितनी उसकी इच्छा है, जितना वो देना चाहता है दे जरूर। सर्वे भी ब्राह्मण है, जो भी माँ उपस्थित समुपस्थित जो भी ब्राह्मण है उनके लिए नापित कर्म काराधिभ्यो, जो भी नापित है या और भी कर्म करने वाले और लोग हैं, और भी कोई दीन असहाय लोग हैं, उनके लिए भी भूयसीं दद्यात्, भूयसी दक्षिणा देवे। तथा यजमाना ब्राह्मणान है ना आदृत्या करौ संपुटी कृत्या। इसके बाद वो यजमान ब्राह्मणों को आदृत्य, माने
आदर करते हुए आदर करके और कर बुला करके और करौ संभूति कृत्या हाथ जोड़ करके और यूं कहे, कौन से ब्राह्मण जो जिनको दक्षिणा दी है वे हो या कर्म में आचार्य आदि नियुक्त जो ब्राह्मण हो वो सभी ब्राह्मणों से ये प्रार्थना करे। हर कर्म के बाद ये प्रार्थना होनी चाहिए, समझ रहे ना। मया यत कृतम सक्राय यागवास्तु शांति कर्म तत्काल हीनम भक्ति हीनम श्रद्धा हीनम च तद भवताम ब्राह्मणानाम वचनात् श्री महागणपति वास्तु पुरुषादि देव प्रसादात् सर्वं परिपूर्णमस्तु। ये कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ये ग्रह यज्ञ के सहित वास्तु शांति कर्म जो हुआ है उसमें जो काल की हीनता होता उन्हें जो लग्न बताई गई थी जो समय बताया गया है शास्त्रों में तो ऐसी शुभ लग्न में मेरी प्रवेश नहीं कर पाए या पंडित जी ने भी जो बता दी थी वास्तव में भी नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे दिया था कि 9 बजे प्रवेश कर लेना है और 9:30 बजे 10 बजे प्रवेश कर लेना है, उन्हें जो समय बतलाया था वो समय नहीं हो पाया तो काल ही में कोई हो गया वो हमारा कृत्य और श्रद्धा भक्ति से रहित हो गया वो कर्म तो वो आप सभी ब्राह्मणों के वचनों से और श्री महागणपति के प्रसाद से कृपा से और वास्तु इत्यादि देवता जो भी उस कर्म के प्रधान देवता हो उनका नाम लेकर के और जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म का नाम लेकर के कहना चाहिए तो उनकी कृपा प्रसाद से सर्वम परिपूर्णम अस्तु सब परिपूर्ण हो जाए सब परिपूर्ण हो ऐसा वो ब्राह्मणों से हाथ जोड़ करके ये मांगे। कौन तो ब्राह्मण लोग क्या कहें कि जपश्चिद्रम तपश्चिद्रम यच्छिद्रम शांति कर्मणि ठीक है सर्वं भवतु मे छिद्रम ब्राह्मणानां प्रसादतः। इसको भी यजमानी बोले इस वचन को भी यजमानी बोले कि जप का जो छिद्र है छिद्र माने कमी न्यूनता और तप का छिद्र जो भी यहाँ तो यह छिद्रम शांति कर्म जो भी शांति कर्म में छिद्र कहे गए हैं माने दोष कहे गए हैं या कोई भी गलती पूर्वक अशास्त्री कृत्य या मतलब भूल से कोई काम हो गया होगा सर्वम भवत तो मे छिद्र वो सभी मेरा अच्छिद्र हो जाए माने पूर्ण हो जाए ब्राह्मणानां प्रसादतः आप सभी ब्राह्मणों के प्रसाद से माने आप सभी ब्राह्मणों की कृपा से हमारे इस कर्म में जप से तप से श्रद्धा से दक्षिणा से दान से भाव से कोई भी जो न्यूनता हो वो पूर्ण हो जाए तो ततो ब्राह्मणा इसके बाद ब्राह्मण लोग कहें ठीक है कि सर्वमच्छिद्रमस्तु सर्वमच्छिद्रमस्तु सर्वम अच्छिद्रम अस्तु ये संपूर्ण कर्म दोष रहित हो करके पूर्ण हो जाए ये ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहा है कि सर्वम अच्छिद्रम अस्तु सभी प्रकार के छिद्र रहित कर्म हो जाए ठीक है इति प्रतिवचनम दद्यु ऐसा ब्राह्मण लोग आशीर्वाद के रूप में प्रतिवचन कहें ततो यजमान फिर यजमान जो लोग है भगवान का स्मरण अब यहाँ भी करवा रहे हैं प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रच्यवेता ध्वरेष्वियात स्मरणादेव तद विष्णो संपूर्ण स्यादिति श्रुति यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ओम विष्णवे नमः 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 ओम विष्णवे नमः। अब कलयुग में 12 बार बोल लेना विष्णु भगवान का नाम शिव का नाम जिस देवता का जो है अनुष्ठान हो उनका नाम ततः तिलक आशीर्वाद इसके बाद में यजमान को फिर जो है तिलक लगा करके और आशीर्वाद दे देना चाहिए ठीक है। रोचन्ते रोचनादिवी रोचनादिवी
ब्रह्मा जुन्यन्त्यस्य काम्या हरि विपक्ष सारथे शोणा विष्णु नृवाहसा तिलकं कुर्यात्। इस प्रकार तिलक करके और अक्षन्नमेव दन्त ये मंत्र बोल करके इत्यक्षतान ये अक्षन्नमेव दन्त बोल करके यजमान के अक्षत भी लगा देना चाहिए। और बाद में जो आशीर्वाद दे रहे हैं मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयस्तव शुभमस्तु कल्याणमस्तु। इस तरीके से ब्राह्मण यजमान को आशीर्वाद दे रहे और फिर गृह प्रवेश कर्म हो चुका और फिर अपने परिवार के सहित इष्ट मित्र बंधु बांधवों के सहित अपने इष्ट देवता के सहित यजमान और सुख पूर्वक अपने घर में निवास करें। पंडित लोग दक्षिणा लेकर के अपने घर को जाएं। हर हर महादेव। ये गृह प्रवेश पद्धति ये जो आचार्य श्री बिंदेश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित ये पूर्ण हुई है और ये जो गृह प्रवेश पद्धति है बहुत अच्छी है सटीक है। तो इसमें मुख्य रूप से वास्तु शांति का पूरा विवरण दिया गया है और गृह प्रवेश के निमित्त भी अपने जो मंत्र लिखवाई दिए थे बतलाई दिए थे और मठ गुरु में भी आया है तो वो भी हो गया दो जगह जो हो गया गृह प्रवेश। इसके बाद में अब कर्मठ गुरु में नामकरण का प्रकरण है। इसके बाद तो नामकरण पढ़ा करके और फिर संस्कार प्रकाश जो गीता परिषद ने निकाला है जो संस्कार दीपक के आधार पर निकाला गया है पंडित श्री नित्यानंद पंत पर्वती जी का जो संस्कार दीपक है उसी को जो है सरल करते हुए और विधिवत लिखते हुए जो संस्कार प्रकाश निकाला गया है ग्रंथ तो इसको ही सबसे पहले रखेंगे। तो पहले हम कर्मठ गुरु में से नामकरण पढ़ाएंगे और फिर वहाँ से देख लेंगे मैं अब संस्कारों का ही पढ़ना प्रारंभ होगा।